नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं जागोपंच। जागोपंच आज आपके लिए एक ऐसा मार्मिक सुझाव और जागरूकता भरा वीडियो आपके सामने लेके आया है जो हमारे देश को उपद्रव की तरफ जाने से बचा सकता है। तो हमारे देश में ये उपद्रव क्या है, कैसे है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें उपद्रव के नेचर को समझना होगा, उसकी प्रकृति को समझना होगा। तो आज हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, आप सभी मणिपुर से रूबरू हो चुके हैं। मणिपुर में किस तरह उपद्रव को जन्म दिया गया और वहां पर सत्तासीन विधायक, जो वहां सरकार में शामिल विधायक है, उसने स्वयं कबूला कि यह जो कर रही है यह भाजपा ही कर रही है। तो साथियों, आज हमारे देश में जो विपक्षी एकता, जिस प्रकार विपक्षी नेताओं की एकजुटता हो रही है, एकजुट हो रहे हैं और वो बैठकें उनकी लगातार जारी हैं, उन बैठकों को देखते हुए भाजपा में खड़बड़ी मची है। और भाजपा कैसे राजनीति पर काबिज होना चाहती है और कैसे काबिज होती है, यह आप सभी से छिपा नहीं है। आप सभी ने देखा होगा पुलवामा की घटना, जो सत्यपाल मलिक राज्यपाल जी ने जिस तरह के से कबूला कि वह घटना भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना थी। तो साथियों, क्या आपको लगता नहीं कि यह जो मणिपुर में जो उपद्रव हो रहे हैं, यह जो घटना हो रही है, जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं, क्या वो आपको लगता नहीं कि वो प्रायोजित हैं? अगर नहीं लगता तो मैं यहां पर अपने उन भाइयों को थोड़ा सा वो सीन दिखाना चाहता हूं। वो सीन कहां का है? वो सीन हरियाणा के मेवात का है, जहां पे बजरंग दल वालों ने एक पूर्व नियोजित प्रायोजित कार्यक्रम के तहत अपने ही लोगों पर हमला करवाया और उसके बाद वे वहां पर लोगों को कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कैमरामैन आज तक के रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो हमने लिया हुआ है, रिसोर्स जो है वो आज तक का वीडियो है, इसमें वह बोल रहे हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं वहां, वो बोल रहे हैं कि आप कैमरा बंद कर लीजिए, आप कैमरा बंद कर लीजिए। आखिर कैमरा बंद करने के पीछे का रहस्य क्या है? कैमरा कौन बंद कराता है? कैमरा उपद्रवी बंद कराता है या कैमरा जो प्रताड़ित हो रहा होता है, जो पीड़ित हो रहा होता है, वो बंद कराता है? ये सभी आपसे छिपा नहीं है। तो देश को हिंदू मुस्लिम उपद्रव की ओर कैसे बढ़ाया जा रहा है, यह आज तक का छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखा इसमें बजरंग दल के लोग कैसे कैमरा बंद करा रहे हैं। आखिर हरियाणा में जो उपद्रव हो रहा है, यह उपद्रव एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। आज तक के रिपोर्टर अनमोल से बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर दो, क्योंकि क्या कोई भला कैमरा क्यों बंद कराएगा? क्यों? इसलिए ताकि वहां पर जो हो रहा है वह रिकॉर्ड ना हो जाए। इसका डर किसको है? इसका डर जो कैमरा बंद करा रहा है उसको है, यानी वहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मकसद बनाया गया है। तो ऐसे जो मकसद बनाए गए हैं, इन मकसदों में जो ये हिंदू मुस्लिम का उपद्रव है, यहां पर मैं थोड़ा सा अपने ओबीसी और एससी एसटी भाइयों से थोड़ा सा संज्ञान लेने को कहूंगा कि इस हिंदू मुस्लिम उपद्रव में ओबीसी का क्या भला है, ये बात उनका क्या भला है, ये हम थोड़ा आगे करते हैं। लेकिन फिर आपको एक छोटी सी घटना दिखा देते हैं, वह छोटी सी घटना आपको झकझोर कर रख देगी। आप सभी ने अभी वायरल वीडियो देखा कांस्टेबल चेतन सिंह का।
कांस्टेबल चेतन सिंह, योगी और मोदी के प्रभाव में, या यूं कह सकते हैं कि वो आरएसएस के स्लीपर सेल भी हो सकते हैं, या आरएसएस के प्रशिक्षित एक उपद्रवी हो सकते हैं, वह ट्रेन में वर्दी पहनकर किस प्रकार अपने सीनियर अधिकारी को गोली मार देते हैं, जो उनके एएसआई होते हैं मीणा जी, उनको गोली मार देते हैं। इसी के अलावा वही पेंट्री कार में दो अन्य व्यक्तियों को भी गोली मार देते हैं और कहते हैं कि इस देश में योगी मोदी के अलावा कोई नहीं रहेगा। तो आप ये सभी समझ सकते हैं, वहां पर उन्होंने जो मारा उसमें से दो यात्री मुस्लिम थे और एक मीणा यानी हिंदू समाज से ही थे। तो यहां पर योगी मोदी के लिए उन्होंने एक हिंदू को भी मारा, एक दो मुस्लिम को मारा, और यहां पर तूल क्या दिया गया कि वहां मुस्लिम को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यहां पर साथियों ये समझने की बात है कि इन उपद्रवों में जहां जहां भी उपद्रव हो रहे हैं, इन उपद्रवों में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी को ट्वीट में डिस्प्ले हो रहा है इन बजरंग दल वालों का। तो जहां जहां उपद्रव हो रहे हैं, उन उपद्रवों का सबसे बड़ा कारण आरएसएस है। आरएसएस भाजपा को मुंह की खाने की देख रहा है, वो समझ रहा है, और आज इनके पास धन संपदा, अकूत धन संपदा इन लोगों के पास आ चुकी है। जब इनके पास नहीं थी तब ये घर घर भिक्षा मांगकर उपद्रवों को जन्म देते थे, उस समय प्रशिक्षण देते थे कि कैसे हमें एक मुस्लिम, अपने हिंदू व्यक्ति को मुस्लिम बनाकर उसे कैसे प्रशिक्षित कर दिया जाए कि किसी भी जांच या किसी भी एंगल से वह हिंदू न लगे। तो यह जब प्रशिक्षण इनका इस तरह का चलता है, तो क्या आज इनके प्रशिक्षित स्लीपर सेल बौद्ध धर्म में घुसे हैं, जैन धर्म में घुसे हैं, मुस्लिम में घुसे हुए हैं, उन्हें बकायदा वेतन जाता है, उन्हें तनख्वाह मिलती है, और इस तरह से हमारे बीच में ही रहकर वो ऐसी उपद्रवों को जन्म देते हैं। तो ऐसे उपद्रवों से जो हिंदू मुस्लिम का जो उपद्रव होगा, उससे ओबीसी एससी एसटी का क्या भला होगा, यह अब मैं बताऊंगा। तो ऐसे उपद्रवों से मैं दूर रहने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह मेरी मार्मिक अपील आपके लिए क्यों है, क्योंकि सबसे पहले सोचना होगा कि हिंदू मुस्लिम में ओबीसी एससी एसटी का भला क्या है। क्या ओबीसी एससी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़कर या हिंदू मुस्लिम के उपद्रव में शामिल होकर क्या ओबीसी एससी को हाई कोर्ट का जज बनने का अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यही आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं। क्या आज जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके कुलपति बनने का मौका मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसके बाद आइए, क्या आपको राज्यपाल बना देंगे? क्या योगी को मुख्यमंत्री से हटाकर वहां पिछड़ा ओबीसी एससी का मुख्यमंत्री बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे। केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह इसकी मिसाल हैं, इनको मौका नहीं दिया गया। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप किस पायदान पे खड़े हैं। ये जो जिस उपद्रव की तरफ आप भागे जा रहे हैं, उस उपद्रव में आपको मिलना क्या है, मैं ये बता देता हूं। आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपको दोयम दर्जे की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पायदान पे, सबसे निचले पायदान पे आ जाएंगे, और आपके सारे अधिकार यानी आपका बोलने का अधिकार, आपकी शिक्षा का अधिकार, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, यह सभी गौण कर दिया जाएगा। यानी आप जब तक उनकी चरण वंदना करेंगे, आप आजाद हैं, आप उनकी चरण वंदना बंद करेंगे, आप
के ऊपर प्रहार शुरू हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप सोचें, यह ना आपको आईएएस आईपीएस बनाएंगे। अभी तक जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, जो बैकडोर से जो उनका दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे से जो आईएएस आईपीएस या जो अन्य अधिकारी बनाते हैं, उनमें से ओबीसी एससी एसटी नहीं होते हैं। और जहां दिखावे के लिए होते भी हैं, वहां पर ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसकी अपनी समझ शून्य हो। क्योंकि आप सभी देखते हैं, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। मणिपुर में क्या हालात हैं आपसे छिपा नहीं है, राजस्थान में दो चार घटनाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, और इसी तरह हरियाणा में भी ये मेवात की घटना है। तो इस तरह की जो मेरठ में घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन वहां के एसएसपी ने उस घटना को होने से रोक लिया। तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं आखिर अब चुनावी माहौल में क्यों आ रही हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए आ रही हैं कि आपके अंदर धार्मिक उन्माद का जहर इंजेक्ट किया जा सके, और इस धार्मिक उन्माद को जहर को इंजेक्ट करके वापस सत्ता प्राप्त की जा सके, ऐसा मकसद आरएसएस और भाजपा का है। इनसे बचने के लिए केवल आपके दिमाग में यह फीचर आना चाहिए, हमारे ओबीसी एससी भाइयों के दिमाग में यह फीचर आना चाहिए कि इस धार्मिक उन्माद में हमारा हित क्या है, क्या हमारा जीवन स्तर बदल जाएगा, क्या हमारी जो जीवन शैली है वह उच्च हो जाएगी। इसके बाद जब ये हम उन्माद और इस घटना में उनका पूरा साथ दे देंगे, तो क्या उसके बाद बुला बुला के सभी को आईएएस पीसीएस और आपके बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन और आईआईटी में एडमिशन निशुल्क दिए जाएंगे? क्या ऐसे सवाल आपने उनसे किए हैं जो आपको धार्मिक आग में कूदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं धर्म के नाम पर? तो ऐसे लोगों से सावधान होइए जो ये आपको धर्म की आग की तरफ ले जा रहे हैं। यह आपके अधिकारों का खात्मा है। हिंदू मींस वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का मतलब शूद्रों को सेवा करने का ही अधिकार मिलेगा, इसके अलावा कुछ ना मिलेगा। क्योंकि यह उनकी पुरानी परंपरा है, यह सनातन है, और सनातन वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातनी यानी सना हुआ तन। किस चीज में सना हुआ तन? अब आपको यह समझना है, यह उन्माद में सना हुआ तन है या खून में सना हुआ तन, यह निर्णय करना आपका काम है। हां, आप अपने अधिकारों के बारे में आप अपने साझेदारी की जरूर तय करिएगा। आप उनसे पूछिएगा कि इस दंगे के बाद, इस उन्माद के बाद, क्या मुझे आईएएस पीसीएस और या हाई कोर्ट का जज या देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा एससी बनाया जाएगा? यह जरूर पूछिएगा, क्योंकि यह आपके अधिकारों पर प्रहार है, धार्मिक उन्माद। तो इस धार्मिक उन्माद से सावधान करना मेरा काम है, क्योंकि मैं पीछे के धार्मिक उन्मादों का विश्लेषण कर चुका हूं, मैं उसे करीब से अनुभव भी कर चुका हूं कि वहां पर जब जब मैंने इनका साथ दिया, मैं भी इसी उन्मादी गैंग का हिस्सा था। वहां पर मुझे सिखाया जाता था कि आपको कैसे इन पर वार करना है, कैसे दंगे को अंजाम देना है, यह प्रशिक्षित किया जाता था, यह कहकर कि यह हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे आरक्षण का विरोध तो करने वाले मेरे हैं, ये मुझे अपना कहा था, मुझे हिंदू के नाम पे गले लगाया था और कहा था कि तुम राष्ट्रभक्त हो, हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, इसी नाम पर ऐसा बहकाया था, ऐसा बरगलाया था कि मैं उस समय दिग्भ्रमित होकर उस
उन्माद का हिस्सा बना था, लेकिन मेरी आंखें जल्द खुली और मुझे समझ में आया कि मैं हिंदू नहीं था, मैं अहिरवा था। अहिरवा यानी 12 बजे बुद्धि होती है। जब वहां पे इस चर्चा को सुना कि इनके 12 बजे बुद्धि होती है और उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि मैं भी अहिरवा ही हूं, तो जब उसे पता चला तो बड़ा क्षोभ हुआ उसको। बोला, नहीं भाई साहब, मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने उन लोगों को कहा था जो अशिक्षित हैं, लेकिन थे तो मेरे ही। तो हमें यह समझना होगा कि कैसे यह धार्मिक उन्मादी आपको, आपके अधिकारों को, आपके, आपकी स्वतंत्रता को, आपके आरक्षण को, आप सीएम पीएम आईएएस आईपीएस ना बन पाए उसके लिए, ओबीसी एससी के लिए ये अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। इन अड़ंगों से बचने के लिए आपको इस धार्मिक उन्माद से दूर रहना होगा, यही आपसे निवेदन और आग्रह। तो साथियों, आज जो हमारे साथी नए जो आए हैं, जो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ साथियों, आगे आने वाले 10-12 दिनों में लगातार मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा व्यस्तता ऐसी है कि लगातार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, अल्टरनेट मैं आपको अपने वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।